नमस्कार आप सभी, मेरा नाम अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप चलो उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत कर लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो पति पत्नी के आजकल जो विवाद हैं, जो रिश्ते हैं, वो बहुत ही जल्दी टूट रहे हैं, उनके पीछे कारण क्या है। आज मैंने सोचा था कि आज मैं आपको एक कानून से हटकर पारिवारिक चीज़ों के बारे में कुछ बताऊं, ताकि किसी के अगर किसी एक भी व्यक्ति, मान लो आप सब लोग देखते हैं हमारी वीडियोस, किसी एक पति या पत्नी के दिमाग में भी अगर ये चीज आ जाती है तो हो सकता है कि उसका रिश्ता, उसका घर परिवार टूटने से बच जाए। मेरी हर वीडियो के पीछे, मतलब जो भी मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, हर वीडियो के पीछे कोई ना कोई कोशिश रहती है कि मैं आपका किसी प्रकार से जो घर परिवार है वो टूटने से बच जाए। हालांकि कहीं ना कहीं जहां बुरा होता है तो वहां मैं उसके लिए खड़ा रहता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको उस चीज के लिए आपको गाइड करता हूं कि आपका जो जीवन है वो बर्बाद ना हो। आज मैंने सोचा था, मैं कभी खाली समय में बैठा हुआ था तो मैं सोचा था कि ये जो सब कुछ मैं वीडियोस आपको बनाता हूँ, हालांकि आपको कानून की जानकारी सबको सब कुछ मिलती है, लेकिन इन सब चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं एक रिश्ता, एक 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 परिवार टूट रहा है। तो जो परिवार टूट रहा है तो क्यों ना एक कोशिश की जाए, ताकि किसी ना किसी व्यक्ति के तो समझ में आएगा कि वाकई ये बातें सही हैं और इसकी इस इन्हीं रास्तों पर अगर चला जाए तो हो सकता है कि हमारा घर परिवार टूटने से बच जाए। अब मेन प्रॉब्लम क्या है, पति पत्नी, देखिए ऐसा कोई घर परिवार नहीं जिसमें पति पत्नी ना हो, ठीक है, किसी कारणवश ना हो बात अलग है, लेकिन फिर भी हर परिवार में कहीं ना कहीं शादी होना जरूरी है, और शादी है तो पत्नी है, पत्नी है तो कहीं ना कहीं झगड़े घर में छोटे मोटे झगड़े भी हैं। जहां झगड़े होते हैं, अगर झगड़ा सुबह हुआ तो शाम तक खत्म हो जाए और शाम को हो जाए तो सुबह तक खत्म हो जाए, वो घर परिवार सबसे बेहतर होता है। लेकिन जहां पर पत्नी किसी प्रकार से गुस्से टाइप की होती हैं, या फिर कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि किसी का पति बहुत ज़्यादा खराब होता है और वो उसके पास ज़्यादा गलत करता है तो वो सहन नहीं कर पाती, इस वजह से कहीं ना कहीं जो रास्ते आ जाते हैं उन रास्तों पर चल जाते हैं जहाँ पर कि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं। लेकिन जहाँ पर पति पत्नी के बहुत संबंध अच्छे हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, फिर उसके बावजूद भी वो एक दूसरे के प्रति केस फाइल करना शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि आज के समय में पत्नी के लिए अधिकार बहुत दिए हैं, कानून में बहुत ज़्यादा राइट्स उसको दिए गए हैं। महिलाओं के लिए स्पेशल कानून बनाए गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है स्पेशली, सेक्शन 125 CRPC सेक्शन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही है ये। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का, सेक्शन 498A है और भी बहुत सारी धाराएं हैं जो मैं बता चुका हूँ आपके लिए हर वीडियोज़ में। तो ये जो कानून है, मैं कहता हूँ कि आप एक महिला हैं और आपके पास कानूनी अधिकार हैं, राइट हैं, तो क्या उनका दुरुपयोग करना चाहिए? आप ये जो करते हैं, ये जो केसेस कर देते हैं, केस करने के बाद जो है उसके बाद परिणाम क्या होता है, ये उस महिला से पूछिए जिसने 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल केस लड़ाया है और लास्ट में मिला तो क्या, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी, चाहे अपने जीवन की हो चाहे सामने वाले व्यक्ति के जीवन की हो। तो वो बर्बादी से बचें। और ये जो केस आप फाइल करते हैं, सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ प्रॉब्लम जो है आज के टाइम में यही है, कानून होना। महिलाओं को कानून का मतलब उनको अधिकार दिया गया है, लेकिन उनकी सही जानकारी नहीं दी गई कि आप अगर इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कितनी हानि भविष्य में होगी। तो मैं आज वही बताना चाह रहा हूँ कि जो महिलाएं हैं, किसी प्रकार से मैं कहता हूँ एक पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाथ मतलब उठा दिया जाता है, पिटाई कर दी जाती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन इनके सबके बाद पत्नी रूठ कर अपने मायके चले जाए, वहां पर 1-2 साल गुजार दे, तो एक उम्मीद रहती है कि पति जो है हो सकता है मेरा आज ना तो कल कभी ना कभी वापस आ जाए और मुझे लेकर चला जाए। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति जब शादी होती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा भी एक दूसरे से जुड़ जाती है, और जहां पर आत्मा जुड़ जाती है तो एक समय ऐसा आता है कि पति को भी जरूरत होती है, पत्नी को भी जरूरत होती है, कहां कब तक आप अकेले पड़े रहोगे, तो वो एक दूसरे से साथ में हो जाते हैं। लेकिन सबसे जो गलत निर्णय होता है महिलाओं का, कि वो जाते ही एकदम जैसे ही मायके गए और मायके जाकर वहां पर उनका दिमाग खराब हुआ, उनके माँ बाप ने कुछ कहा या समाज ने कुछ कहा, तो उन पर सहन नहीं होती है, सीधे जाते हैं FIR दर्ज करा देते हैं। अब वो FIR के सहारे, FIR दर्ज होने के बाद केस चल लग गया उन पर, अब उन पर भी परेशानी आने लगी, मतलब मायके ससुराल वाले जो है उन पर भी परेशानी आने लगी, इधर लड़की है तो लड़की अपने जीवन में जीवन उनको उसका भी उसको परेशानी आ रही, उसको भी रहा नहीं जा रहा मायके में, तो वो जो है अब इस केस के सहारे जो है वो कई साल गुजार देगी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, फिर आपको उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दिक्कत मुझे है वो दिक्कत दूसरे को भी हो रही है, उसके बाद वो मेंटेनेंस भी लगाएगी, DV भी लगाएगी। तो ये जो केसेस हैं, ये केसेस का जो बुलंदा है, जो पति पत्नी के सर पे बांध दिया जाता है,
पत्नी के द्वारा, तो ये पत्नी ये समझती है कि भाई अब हमें लेने आएगा वो, अब हमें हमारे सामने आएगा, बस आप यहीं पर गलती कर देते हैं, इसी की वजह से जीवन आपका बर्बाद होना शुरू हो जाता है, पति हो या पत्नी हो। ज्यादातर केस में जो है पत्नियां ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारती हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेती हैं। पति का क्या है, पति मान लीजिए आप बहुत दिन हो गए नहीं आ रहे, नहीं आ पा रहे, अगर उसको थोड़ा बहुत कानून का डर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसने वो कहीं ना कहीं और सेट हो जाए, कहीं और किसी और से शादी कर लेगा, पता भी लगेगा आपको कहां उसने शादी कर ली। तो कहीं ना कहीं आप उस तरीके से अगर पति पत्नी झगड़ा हो गया है तो मनमुटाव अगर हो गया आपके साथ में, तो आप अपने मायके में जाकर रह लें, वहां पर समय थोड़ा बिता लें और किसी न किसी प्रकार से अपने पति को अप्रोच करें, उससे बात करने किसी न किसी प्रकार से, अगर उसने नंबर ब्लॉक कर दिया तो किसी दूसरे नंबर से बात करने की कोशिश करें, नहीं कर रहा फिर भी तो थोड़ा और रुकिए, एक आध साल रुकिए, एक आध साल बाद उसका गुस्सा है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो स्थिति ना माइंड ऑफ स्टेटस जो है वो एक जैसा नहीं रहता है, एक समय ऐसा आता है कि वो उसका दिमाग जो है वो चेंज हो जाता है और वो सोचता है कि चलो पत्नी यार कल गलती हो गई मुझसे या उससे तो वो खत्म की जाए। लेकिन जहां पर केस फाइल हो जाते हैं ना, तो केस का मतलब ये है कि जीवन आपका बीत जाएगा, आप पूरा जीवन जीकर लड़के खत्म भी हो जाओगे लेकिन केस आपका चलता रहे, केस खत्म नहीं होगा। तो इससे बेहतर है कि आप अपना जीवन नष्ट ना करके इतनी जल्दबाजी ना करें कि भाई मुझे केस करना है, और केस करने के बाद जल्दबाजी करके अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपके लिए कि मान लीजिए जो महिलाएं जो है वो केस कर देती हैं, तो केस करने के बाद जो है वो ये तो नहीं सोचते कि भाई मुझे केस कर दिया, मेरा मन ये है कि मैं मायके में रहूँ, फिर भी वो यही सोचती है कि यार किसी प्रकार कॉम्प्रोमाइज हो जाए, किसी प्रकार समझौता हो जाए, मैं वहां जाकर रह लूं, उनका मन फिर भी ससुराल की तरफ भागता है। लेकिन यहां पर जो है पति जो है वो कठोर दिल हो जाता है, वो उसका हृदय जो है वो कठोर हो जाता है कि अब मुझे उसको नहीं लाना, क्योंकि उसने मेरी समाज में बहुत बेइज्जती कर दी, और वाकई बेइज्जती होती है, समाज में उसका मान सम्मान घटता है, उसके घर पर पुलिस आना, पुलिस लेकर जाना, उसके कई साल बर्बाद हो जाना, कोर्ट कचहरी फिर जमानत के लिए लोग ढूंढना, ये सब होता है उसके साथ में, एक पति के साथ में भी होता है। मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि महिलाएं जो है कुछ ना कुछ कमेंट करना शुरू करती हैं, सर आप तो पति के पक्ष में बोलते हैं, मैं पति के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ आपके लिए कि आपका सबसे बुरा जो निर्णय है, गलत जो निर्णय है वो यही है कि आप सबसे पहले फटाफट जाकर केस करना शुरू कर देती हैं 498 का, मेंटेनेंस का, डीवी का। और इन केसेस में आज के टाइम में बताऊँ, सच्चाई बता रहा हूँ कि कोर्ट भी अपना बिल्कुल ठंडा कर देता है पूरा उन केसेस का, कि बहुत लंबी लंबी डेट लग रही है, 10 दिन की डेट, 15 दिन की डेट लगने की जगह दो दो तीन तीन महीने की डेट लग रही है। तो 3 महीने में अगर एक डेट आई तो सोचकर देखिए कि साल में कितनी डेट आएंगी। तो ये आपको खुद सोचकर सोचना है कि मुझे अब इतना मतलब इतनी कोई दुश्मनी तो हो नहीं गई, मान लीजिए आप पति पत्नी झगड़ा हो गया, लड़ाई बहुत ज्यादा हो गई और अब तो बस नहीं रहना, आपने मन बना लिया नहीं रहना है, तो इतना बुरा तो हो नहीं गया, पति पत्नी है झगड़ा हो गया, जैसे भाई बहन होते हैं वैसे ही एक दूसरे के साथ में है, अगर आपने आपसे वो कुछ ना कुछ कह दिया, और पति तो आपके उम्र में भी ज़्यादा बड़ा है, उम्र में बड़ा होते ही हैं और सम्मान भी ज़्यादा है, तो हर चीज़ में आपको समझना है कि मुझे इतनी जल्दी ये निर्णय नहीं लेना है। ये महिलाएं जो है वो अपनी ज़िंदगी खराब इसलिए भी कर देती हैं क्योंकि वो अपने पैरों को खिलाड़ी खुद ही मान लेती हैं और खुद ही केस करना शुरू करती हैं, और फिर केस का प्रतिउत्तर जो है पति भी देता रहता है, तो एक दूसरे का टाइम जो उसके सहारे कट जाता है, लेकिन वो नहीं सोचते कि हम दूसरे एक दूसरे के साथ में जीवन व्यतीत करें। अभी मैंने कल परसों मतलब एक देखा था, एक शॉर्ट वीडियो जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, उसमें लगभग 1,17,000 के आसपास जो है, 18,000 के आसपास जो है व्यूज आ चुके हैं, उसमें महिलाओं के भी कमेंट आ रहे हैं। उसमें एक छोटी सी स्टोरी थी, मैं बताना चाहूँगा आपके लिए, स्टोरी क्या थी कि उसमें एक पत्नी थी, वो पत्नी अपनी बता रही थी कि पति ने मेरे किसी प्रकार से चांटा मार दिया, और फिर मैंने भी पति को गुस्से में आकर चप्पल उठाकर फेंक के मार दी, इस वजह से दोनों में गुस्सा हो गया, लड़ाई हो गई, और फिर मैं अपना सामान लेकर अपने मायके आ गई, और मायके में आकर जैसे उनको पता लगा भाइयों को कि इस तरीके की बात हुई है, तो भाइयों ने जो है मेरे पति की पिटाई कर दी, पिटाई करने के बाद जो है ये बात कोर्ट तक पहुंच गई, कोर्ट में जाकर मैं मतलब झगड़ा मुझे समझ नहीं पा रहा कि जब तक मैं समझ पाई तब तक ये झगड़ा जो है वो कोर्ट तक पहुंच गया, और कोर्ट में जाके मेरी तलाक हो गई, आज 10 साल हो गए मैं अपने घर पर ही हूँ, पति आया भी था मुझसे माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन मैंने गुस्से में नहीं गई, और पति ने जो है दूसरी शादी कर ली, और अब जो है मैं आज अपने भाभी के और भैया के ताने सुन रही हूँ। तो एक स्टोरी है ये, तो इसी स्टोरी जीवन बर्बादी की ओर चला जाता है जिस समय झगड़ा हो जाता है ना, किसी प्रकार से आप एक दूसरे के प्रति जो है वो मन बनाइए कि भाई मुझे इसके साथ में रहना है या फिर नहीं रहना है। आपको रहना ही नहीं है तो केस करने से क्या फायदा, और आपको रहना है तब भी केस करने से क्या फायदा। आप जिस समय केस कर रहे हैं उस समय अपना माइंड स्टेटस देखिए कि बाकी मैं क्यों, क्योंकि कहते हैं कि गुस्से में कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे कि आपको जीवन भर पछताना पड़े, और खुशी में ऐसी कोई बाधा नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको जीवन भर पछताना पड़े। तो आपको गुस्से में आकर ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना है जिससे कि आप जो है पूरे जीवन भर पछताते रहें कि मैंने ये गलती क्यों कर दी।
कहीं ना कहीं रिश्ते आज जो खराब हो रहे हैं वो इसी कानून की वजह से हैं। अगर ये कानून नहीं होती तो शायद आज बहुत ज़्यादा परिवार जो टूटे पड़े हैं ना वो नहीं टूटते और आज देश की भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती। तो ये आपको समझना है कि भाई मैं पत्नी हूँ, मेरे पास राइट है, मेरे पास अधिकार है, तो मैं उन अधिकारों का मिसयूज़ ना करूँ। क्योंकि बात मैंने अब तक मैं बता रहा हूँ आपके लिए कि बहुत ज़्यादा मैं केस देख चुका हूँ, 1-2% केस मान लीजिए ऐसे जिन केसेस में ये हो कि वाकई बात दहेज की हो, वरना 98% जो बचा हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं पति के प्रति मतलब रंजिश और उसके बदला लेना, बस यही है उनकी जो ब्रेन है, जो माइंड है उनका, वह यही है कि मुझे मतलब उसको जेल भेजना है, मुझे उसको ये कर देना, मुझे इसको ये कर देना, उसने मुझे ऐसे कहा कैसे, मुझे उसने हाथ उठाया कैसे, मैं उसकी ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी, बस यही है और कुछ नहीं है। बाकी इनके पीछे जो है वो केसेस जो है वो सेक्शन 498 है, मेंटेनेंस डीवी, बस यही चीज चलती है। तो ये आपको समझना है, अगर आप पत्नी हैं तो आप समझिए, सोचिए कि वाकई मैंने केस किए हैं कहीं गलत तो नहीं कर दिए। आज आप केस की वजह से आप घर बैठे हुए, अगर आपके केस नहीं होते तो मुझे लगता है 1-2 साल का समय ही बहुत है पति पत्नी के लिए अलग होने के लिए, और बाद में वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से एक दूसरे के पास आ जाते और उनका घर परिवार बच जाता। लेकिन आज बीच में कोर्ट केस हैं तो वो कोर्ट केस होने की वजह से जो है वो परिवार एक दूसरे के पास मतलब पति पत्नी एक दूसरे के पास नहीं जा पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको डर है कि भाई मैं अगर मेरे घर में आज उसने झूठा मेरे पर केस कर दिया। क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन थिंकिंग जो होती है वह यही होती है कि जिस समय पर पत्नी केस करती झूठा उसका 498 का, तो उसके बाद जो है वो ज्यादातर पतियों के दिमाग में, पति के परिवार के दिमाग में यही आ जाता है कि आज बिना करे हमने हमारे ऊपर उसने दहेज का मुकदमा लगा दिया, कल को अगर पत्नी वो घर मेरे आ जाएगी तो वो हो सकता है कि कल को कुछ और कर ले, घर में खरोच मार ले, जहर पी ले, कुछ भी कर ले, तो मैं तो बहुत लंबा जेल चला जाऊंगा। तो इसी डर की वजह से जो है वो पति जो है ये कदम नहीं उठा पाते हैं कि आपको घर लेकर आए, अपने अपने ससुराल में लेकर आए। तो इसलिए आप केस जब करें सोच समझ करें, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये कोई जीवन है आपका, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है केस के चक्कर में। तो केस आपको अगर करना है तो आप समझ लीजिए कि जीवन तो आपका अब बाकी जो जीवन है वो लटकना ही है, जीवन बर्बाद होना ही होना है। 1% चांसेस है कि आपका ठीक हो जाए, वरना ज़्यादा जो है वो लाइफ आपकी खराब होनी ही होनी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मेरा मन है कि आप जीवन के साथ रहिएगा, अलग होने की कोशिश मत करिएगा, बहुत दुख आते हैं जीवन में, बहुत परेशानियां आती हैं, बेहतर है कि आप पति पत्नी रहकर दोनों परेशानियों का सामने करें, एक दूसरे के साथ रहें, और अगर अलग रहेंगे तो जीवन भर परेशानी रहेंगी और आपका समाज में भी कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।